कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ यार सब लोग एकदम बढ़िया होगे, मज़े में होगे, अपनी लाइफ को और दिनों को हमेशा की तरह एंजॉय कर रहे होगे। सो आज आ गए हम एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो बहुत ही दमदार है, उससे पहले देते चलें अपना तारुफ। मैं हूँ मुबशिर और ये है वजाहत। यार अगर तो आप हमारे चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब इसको कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। और हमारे गेमिंग चैनल भी है, चेकआउट कर लेना। जिसको हमारे साथ खेलना हो तो हमारा मतलब वहाँ पे मैसेज मतलब क्या कॉमेंट कर दे, तो हम लोग उनके साथ लाजमी खेलेंगे। और अब आते हैं जी रिव्यू की तरफ। क्या बोल रहा है भाई? नहीं मतलब टाइटल की तरफ। अच्छा हो गया, आज भांग फूक के तो नहीं आया, बस सॉरी पी के आया है। अच्छा तो फैक्ट्स अबाउट जगन्नाथ पुरी टेंपल उड़ीसा। बिल्कुल, तो इनके फैक्ट्स हैं, बकाया पहले हिंदी में लिखा हुआ है वो हमें नहीं पता। तो फैक्ट्स अबाउट जगन्नाथ पुरी टेंपल है उड़ीसा का। सो जल्दी से देखते हैं क्या फैक्ट्स हैं और उसके बाद ही पता लगेगा, क्योंकि अभी सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है। तो अब क्या करें जानी? सो काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मिस्टर रिवील्ड, हिंदुओं की आस्था का केंद्र और चार धामों में सबसे पुराना धाम है जगन्नाथ धाम, जिसका जिक्र स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। ओडिशा के पुरी शहर का जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। यह भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। यह हर साल आषाढ़ के खास महीने में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर को 12वीं सदी में कलिंग के राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव ने बनवाना शुरू किया और फिर ओडिशा के शासक अनंग भीमदेव के शासनकाल में इसे मौजूदा आकार मिला और एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जिसकी बनावट आज भी हर किसी को हैरान कर देती है। अब बात करते हैं मंदिर के उन चमत्कारों की जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर लगे इस झंडे को देखिए। दिखने और लहराने में भले ही ये एक सामान्य झंडा लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया का पहला ऐसा झंडा है जो हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है ये जानने की कोशिश आज तक कई वैज्ञानिकों ने की, लेकिन इसका जवाब किसी को नहीं मिला। ये झंडा इतना भव्य है कि ये इस शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। आम तौर पर हर मंदिर के गुंबद पर पक्षी तो दिखते ही है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गुंबद के ऊपर या आसपास कोई भी पक्षी उड़ता दिखाई नहीं देगा और सैकड़ों सालों से आज तक इस गुंबद पर कभी किसी को कोई पक्षी बैठा भी नहीं दिखाई दिया। इस मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान आज तक नहीं गुजर पाया। विमान इस क्षेत्र में आता तो है लेकिन ठीक इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजर सकता, लेकिन ऐसा क्यों है ये किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता कि क्यों इस मंदिर के ऊपर से गुजरने वाले विमानों का रास्ता अपने आप बदल जाता है। ये मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है और इस मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय किसी भी दिशा में दिखाई नहीं देती। इस मंदिर के गुंबद पर लगा सुदर्शन चक्र अष्टधातु से बना है और शहर के किसी भी हिस्से से आप इस सुदर्शन चक्र को देख सकते हैं। मंदिर का ये महा चमत्कार हैरान कर देने वाला है। यहाँ रोजाना लाखों लोगों का खाना बनाया जाता है। हजारों सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस रसोई में मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकता है और इस महाप्रसाद को रोजाना 800 लोग मिलकर बनाते हैं। 800 लोग यहाँ पकाए जाने वाला प्रसाद 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ऊपर के बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है, जबकि सबसे तेज आँच सबसे नीचे वाले बर्तन में। कैसे ये कैसे और क्यों होता है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जरा सोचिए कि 10 से 20 फीट की दीवार पर सीधे चढ़ने के ख्याल से भी हम डर जाते हैं, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में गुंबद का झंडा बदलने वाला शख्स हर रोज 214 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ता है और वो भी उल्टा। जी हाँ, हजारों सालों से चली आ रही मान्यता के अनुसार उल्टा चढ़कर ही इस मंदिर का झंडा बदला जाता है। आम तौर पर दिन के वक्त हवा समुद्र से जमीन की तरफ बहती है और शाम के दौरान जमीन से समुद्र की तरफ,
लेकिन जगन्नाथ पुरी में ठीक इसका उल्टा होता है और इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता। जगन्नाथ मंदिर समुन्दर के करीब है, इसीलिए समुन्दर के लहरों की आवाज मंदिर में सुनाई देती है। मंदिर का यह सिंह द्वार सबसे रहस्यमयी है। जैसे ही आप सिंह द्वार में दाखिल होंगे, आपको समंदर के लहरों की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाएगी। लेकिन आप जैसे ही इस द्वार को पार करके अंदर दाखिल होंगे, आपको लहरों की आवाज दोबारा सुनाई देने लगेगी। एक राज ये भी है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ की हर साल रथ यात्रा निकलती है और उस दिन बारिश होती ही है। सदियों से लोगों ने यह कोई भी साल ऐसा नहीं देखा जब इस दिन आसमान सूखा रह गया हो। अब इन सारी बातों को चमत्कार कहा जाए या कुछ और, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ये चमत्कार आज तक सभी के लिए एक पहेली है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कर लेना आप। और आते हैं यार रिव्यू की तरह, मतलब लाइक हमें नहीं पता था यार इतने सारे, मतलब हाँ मतलब के फैक्ट्स है, मतलब झंडा जो है वो उल्टा होता है, मतलब हवा जिस साइड चल रही होती है उसकी उल्टी साइड होती है, हवा की साइड उल्टी साइड। इसी तरह वो समंदर की लहरें भी वो उसका उल्टा है। हाँ। पहले इस तरह आती पता नहीं, मतलब लाइक उसका भी उल्टा, और उसके बाद ऊपर से सबसे ज्यादा वो मतलब कोई भी जहाज वगैरह मतलब प्लेन कोई भी ऊपर से नहीं गुजर सकता, बिल्कुल, और गुजर नहीं सकता। और भाई वो जैसे था कि मतलब जिस दिन इनका वो जो फेस्टिवल होता है जो भी होता है, उस दिन बारिश पक्की होती है। बारिश मतलब सदियों से दिन नहीं हुआ जिसमें बारिश ना हुई हो, मतलब सदियों से चला आ रहा है कि मतलब बारिश उस दिन लाजमी हुई है। और झंडा भी वो जो बंद होते वो इतना ऊपर उल्टा हो के जाता है ऊपर, और वो झंडा उतारता है, मतलब के हमको हम लोग सीधा जाते हैं भाई, हमें मतलब हम डर जाए भाई इतना ऊपर, हम दीवार नहीं चढ़ सकते भाई, वो उल्टा हो के ऊपर जाता है। एरोप्लेन भी उसके ऊपर से नहीं गुजर सकता। और मतलब यार है तो जिस तरह पवित्र स्थान है, हम हर मतलब के रिलीजन की हर रिस्पेक्ट करते हैं जो है, और इसमें यार फैक्ट्स मतलब काफी फैक्ट्स अच्छे मतलब हमें पता लगे, हमें नहीं मतलब शॉकिंग थे, हमें नहीं बिल्कुल पता था, शायद इंडियन में सबको ही पता होगा लेकिन हमें नहीं पता था, हमें बिल्कुल नहीं पता था इसके बारे में। और तुझे पता है, और ये सबसे मतलब लॉर्ड कृष्ण का सबसे मतलब मेन मंदिर है और पुराना भी होगा। और तुझे पता है जो वो खाना होता है, खाना ऊपर वाली मटकी में सबसे पहले पकते नीचे, हालांकि ये मुझे इसने मुझे थोड़ा मतलब शॉक किया, मतलब ऊपर पहले वाली ऊपर तो मतलब भाप जाती होगी ना, वही तो मतलब भाप, वही तो सोच रहा हूँ मैं, मतलब कैसे यार, मतलब कि दिमाग धन रह जाए ऊपर, मतलब हल्की हल्की गर्म गर्म भाप जाती है, आग तो नीचे लगी हुई है, नीचे वाली लगी हुई है, ऊपर कैसे हो सकता है यार, मतलब कि यही फैक्ट है बिल्कुल। मतलब इन्होंने कहा काफी मतलब साइंटिस्ट वगैरह वैज्ञानिक जो थे उन्होंने मतलब काफी मतलब पता लगाया, मतलब रिसर्चर्स जो है उन्होंने काफी पता लगाया लेकिन उनको भी नहीं पता लग सका। और मतलब सबसे शॉकिंग था कि मतलब कि वो जो झंडा भी था वो उल्टी दिशा में, मैंने हालांकि हवा की साइड में चलता है, जिस तरफ हवा होती है उस तरफ झंडा होता है, जो उस तरफ लहरा होता है लेकिन ये उसकी उल्टी तरफ, मतलब लॉजिक मतलब कि क्या, मतलब मे भी काफी साइंटिस्ट ने पता लगाने की कोशिश की ना, लेकिन उन्हें नहीं पता लगा, हो सकता है। और वहाँ पे मतलब के जहाज जिस तरह हमारा है, हमारा जिस तरह मक्का में हमारे नहीं, मतलब के वो पवित्र स्थान है मतलब उसमें इस तरह नहीं होता, इधर भी इस तरह जहाज इसके ऊपर से नहीं गुजर सकता, इसी तरह हाँ मक्का मुकरमा में भी जहाज उसके ऊपर से नहीं गुजर सकता। और मतलब के यार काफी शॉकिंग है, हमें मतलब एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, हमें बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, काफी नॉलेज है, काफी फैक्ट्स हमें पता लगे हैं, जो कि मतलब हमें जिन्होंने वीडियो मतलब सजेस्ट की थी, प्रीतम नाम है उनका, प्रीत, तो उन्होंने हमें वीडियो सजेस्ट की थी, काफी अच्छी वीडियो है, काफी अच्छी वीडियो। और यार मतलब कि अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और हमें पता चाहिए तो बताएं यार, हमें सजेस्ट मतलब नहीं करें, नीचे लिंक भेजे ना, हाँ इंस्टाग्राम में यार, इंस्टाग्राम पे तो भेज, अरे नहीं नहीं बताऊँ क्या, इस तरह की मतलब की इनसे रिलेटेड ना, तो मतलब जो जैसी मतलब आपके रिलीजन से जो भी रिलेटेड वीडियो आप यहाँ पे इस मतलब इस वीडियो के नीचे आप भेजें, वो पिक करने में हमें आसानी होगी, क्योंकि
वीडियो के नीचे हम लोग देख लेंगे लिंक्स। और बकाया यार अब हमें मतलब काफी मतलब कि हम सारे रिलीजन के रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब कि आप सारे धर्म है सही है, हर किसी के लिए अपना अपना धर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, तो रिस्पेक्ट सब किसी को करनी चाहिए, तो हम करते हैं। और आपके पास एक मिनट भाई, वो मैं बोल दूं ना, हमें एक्सप्लोर करने का इस पे मौका मिले भाई कि इस वीडियो मतलब कि इन चीजों पे, तो आप लोग हमें लिंक्स वगैरह भेजें इसके लिए, ताकि हम लोग यार इन चीजों पे और मतलब के और इसको एक्सप्लोर इन चीजों को करें, ताकि हमें काफी कुछ पता लगे। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर सब कुछ कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।